नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी पढ़ने वाले हैं MA सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है और आपका पेपर कौन सा है? पेपर टू है। ओके, तो पेपर टू है और पेपर टू में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पेपर टू क्या है आपका बच्चों? पेपर टू है आपका, जो उसका नाम है सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुपयोग। तो सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुपयोग आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक, तो याद रखना, द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है? सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग। तो सांख्यिकी में आप देखेंगे कंप्यूटर अनुप्रयोग में कि कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए, तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आप सब मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक, तो बताइए कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? तो कंप्यूटर के प्रथम जो वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर का सर जो कंप्यूटर की खोज की थी, कंप्यूटर के खोजकर्ता का क्या नाम है? आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट में बताता है कि कंप्यूटर के खोजकर्ता हैं। ओके, तो आई होप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप सब कमेंट करेंगे। चाहे कुछ भी हो, ऐसा भी कर सकते हो, क्या आपकी टीचर देख रही, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इसी बहाने आपको याद हो जाए कि कंप्यूटर के खोजकर्ता कौन है। ठीक, तो आइए जानते हैं। इससे पहले जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक अवश्य करें। ठीक, तो जो प्यारे स्टूडेंट हैं इस चैनल के, वो तो ज़रूर ही लाइक शेयर कर देते हैं। ठीक, तो लाइक शेयर करने के बाद आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्न पर फोकस करते हैं। ठीक, तो प्रश्न हमारा है कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। कंप्यूटर ने हम इंसानों द्वारा किए जाने वाले अधिकतर कार्यों पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, जितने भी कार्य हैं उसमें से अधिकतर कार्य किस पे निर्भर होते हैं? कंप्यूटर पर निर्भर होते हैं, आपके गूगल पर, यूट्यूब पर, इन सभी पर निर्भर होते हैं ना। और इंसान को उसकी क्षमता से अधिक कार्य क्षमता प्रदान की है। ठीक, ये कंप्यूटर उसकी कार्य क्षमता से अधिक क्या कार्य क्षमता प्रदान की है। यह सब इस मशीन के खास गुणों के कारण संभव है। कंप्यूटर की कुछ खास विशेषताएं निम्न है, जैसे कि फर्स्ट आता है गति। गति में क्या होता है? कंप्यूटर तेज़ गति से कार्य करता है। सेकंड है यह लाखों निर्देशों और केवल एक सेकंड में ही संसाधित कर सकता है। ठीक, लाखों निर्देश एक साथ, कई मैसेज किए जा सकते हैं, कई निर्देश पढ़े जा सकते हैं, करोड़ों लाखों, ठीक, एक सेकंड के अंदर, क्योंकि एक सेकंड में आप भी कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई और सर्च कर रहा है। ठीक, तो ये आपका एक सेकंड में लाखों क्या होते हैं, लाखों निर्देशों को केवल एक सेकंड में ही संसाधित कर सकता है। ठीक, ये कौन? ये कंप्यूटर। इसकी डाटा संसाधित करने की गति को माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड तथा पीको सेकंड के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, याद कर लेना। जो नैनो सेकंड होता है, माइक्रो सेकंड तथा पीको सेकंड के नाम से मापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है शुद्धता। शुद्धता में क्या होता है? कंप्यूटर जिसे GIGO कहते हैं, जिसका फुल नेम होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जो गार्बेज होता है, अंदर का गार्बेज, उस गार्बेज को बाहर करना। ठीक, कंप्यूटर सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, एक सिद्धांत रखा जाता है जिस पर वो कंप्यूटर कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके परिणामों की शुद्धता मानव परिणामों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, जो मानव के परिणाम होते हैं उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं इसकी शुद्धता। ठीक, इसके द्वारा अगर किसी परिणाम में कोई त्रुटि आ जाती है तो वह आसानी से अपनी ईसानी हस्तक्षेप तथा प्रविष्ट निर्देशों के आधार पर होती है। ठीक, वैसे इसके द्वारा उत्पादित परिणाम त्रुटिहीन रहते हैं। ठीक, निरंतर परिश्रमी कंप्यूटर एक थकान और मेहनत मशीन है। ठीक, यह बिना रुके थके और बोरियत माने बगैर अपना कार्य सुचारू रूप से समान शुद्धता के साथ कर सकता है। ठीक, यह है आपके कंप्यूटर की खासियत। तो कंप्यूटर में और क्या होता है बच्चों? वन मिनट। यह पहले और आखिरी निर्देशों को समान एकाग्रता, ध्यान, मेहनत और शुद्धता से पूरा करता है। नेक्स्ट आता है स्वचालित। स्वचालित में क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर जो होता है, या एक स्वचालित मशीन भी होता है। ठीक, यह बहुत सारे कार्यों को बिना इंसानी हस्तक्षेप के पूरा कर सकता है। स्वचालित इसका
इसको सबसे बड़ी खूबी है। ठीक, बहु प्रतिभा क्या है? कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय मशीन है। यह गणना करने के अलावा अनेक उपयोगी कार्य करने में सक्षम होता है। इसके द्वारा हम टाइपिंग, दस्तावेज, रिपोर्ट, ग्राफिक, वीडियो, ईमेल आदि सभी जरूरी काम भी कर सकते हैं। किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा। भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो भंडारण जो क्षमता होती है वो कंप्यूटर में एक विशाल मेमोरी होती है, जिसमें सभी प्रकार के डाटा को विभिन्न रूपों में संचित किया जा सकता है। भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर कार्य के दोहराव से भी बचा जा सकता है। संप्रेषण क्या है? एक कंप्यूटर अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से भी बातचीत कर सकता है। ठीक, ओके। यह नेटवर्क के जरिए अपने डाटा का आदान प्रदान एक दूसरे को आसानी से कर सकता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा है सेशन। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, विश्वसनीय। विश्वसनीय में क्या होता है कि यह एक भरोसेमंद और विश्वसनीय मशीन होती है, जो कंप्यूटर होती है। ठीक, तो इसका जीवन लंबा होता है। इसके सहायक उपकरणों को आसानी से बदला और उसका रख रखाव किया जा सकता है। मानक विचलन के गुण और दोष। मानक विचलन के गुण दोष के बारे में जान लेते हैं। गुण क्या हैं? गुण में अंक वितरण के प्रत्येक अंक से मानक विचलन प्रभावित होता है, और मानक विचलन सामान्य संभावना वक्र का मुख्य आधार भी होता है। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। फिर उसके बाद विचलन जो होता है, विचलनशीलता का यह सर्वश्रुद्ध और विश्वसनीय पाप है। अंक वितरण के मध्यमान की अविश्वसनीयता का अध्ययन मानक विचलन के आधार पर किया जाता है। क्या किया जाता है? विचलन के आधार पर किया जाता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के अनुसंधान कार्यों में बहुधा मानक विचलन की ही गणना की जाती है। ठीक, सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त तथ्यों का मानक विचलन ज्ञात कर लेने से विभिन्न तथ्यों को प्रगति को कहा अधिक यथार्थ रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, सांख्यिकीय माध्य की अपेक्षा मानक विचलन की गणना कुछ कठिन होती है। ठीक, तो कुछ कठिन होती है। गणना के अक्सर त्रुटि हो जाने का डर रहता है। सामान्य ज्ञान के आधार पर लंबी गणना करने के कार्य में समय भी बहुत अधिक लगता है। मानक विचलन की सहायता से किसी संक्रमण माला का मध्य, ठीक, मध्य भी स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। ठीक,